नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति के मार्गदर्शन एवं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत के नेतृत्व में चल रही जल जागरण यात्रा गत दिवस ग्राम पंचायत गौचर पहुंची। इस दौरान इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत ने भाजपा की विकास यात्रा को झूठी और फिजूल पैसा खर्च करने की यात्रा बताते हुए चौपाल लगाकर ग्रामवासियों को संबोधित किया। इस दौरान इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में सिर्फ लोगों को जातियों और धर्मों के नाम पर विभाजित कर लड़ाकर हमें आपस में तोड़ा जा रहा है, न कि क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। भाजपा ये यात्रा सिर्फ पार्टी के प्रचार के लिए निकाल रही है। भाजपा को स्वयं के विकास से मतलब है, जनता और क्षेत्र के विकास से नहीं। हम गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरशद मोहम्मद खान ने कहा कि भाजपा की विकास यात्रा का झूठा चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है। जन जागरण के इस कार्यक्रम में सरपंच आबिद खान, आरिफ खान, खूब सिंह, सरजू झारिया, युवा कांग्रेस गोटेगांव आशीष राय, मयंक छेरा, वीरेंद्र, प्रीतम, गोविंद, दीपू, दिनेश पटेल, भोले राजपूत, अखिलेश, ओमकार सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की झूठी विकास यात्रा को उजागर करने के लिए गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में हमारी यह जनजागरण यात्रा निरंतर जारी है। आज हम हमारे विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत गौचर पहुंचे। ग्रामवासियों का जो समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, इससे प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार से सभी लोग परेशान हैं और यह यात्रा निरंतर जारी है। हमारा उद्देश्य है कि हम जन जन तक जाकर भाजपा के झूठे चेहरे को सबके सामने लाएं।